नमाजों के अलावा, खास मौके के अलावा दिन में जब भी आप चाहें दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन आम दिनों के अलावा जुमे के दिन खसूसी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ने की ताकीद है, क्योंकि आपने इसका खुद हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के रोज कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, जो आदमी जुमा के रोज मुझ पर दुरूद भेजता है वो मेरे सामने पेश किया जाता है। इसी तरह दुआ से पहले, दुआ के बाद, फिर जहां कहीं आपका नाम लिया जा रहा हो या लिखा जा रहा हो या किसी भी तरह आपका जिक्र आए, वहां आपके लिए दुरूद पढ़ना। इसी तरह मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना, मस्जिद से निकलते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना, फिर नमाज से फारिग होने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, यानी एक तो नमाज के अंदर है लेकिन नमाज से फरागत के बाद, फिर इसी तरह हर मजलिस में आप पर दुरूद पढ़ना जरूरी है। फिर इसी तरह सुबह शाम के औकात में, यानी ये तमाम मौके ऐसे मौके हैं जिसमें आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और मौका कोई हो या ना हो, दिन या रात की घड़ियों में से जिस घड़ी में आप चाहें, जब चाहें, चलते फिरते काम काज करते, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर सकते हैं, आपके लिए दुरूद और सलाम पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के कई सीगे हमारे यहाँ मशहूर हैं, उसमें कुछ तो वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो लोगों ने बाद में खुद बना लिए हैं। तो वो ऐसे तमाम वर्जन या ऐसी तमाम इबारतें जो लोगों ने खुद इस माने की बनाई हैं, ख्वाह वो अरबी में हैं या उर्दू में हैं, तो उनको पढ़ने की हद तक तो पढ़ा जा सकता है। यानी अगर नसर में कोई ऐसी इबारत मौजूद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की गई है या आपकी मदद की गई है या आप पर सलाम भेजा गया है, ख्वाह वो नसर में हो या शेर में, तो उसमें हर्ज तो कोई नहीं। लेकिन वो चीज जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई और जो आपकी तरफ से हमें मिली, उसका मकाम बाकी हर इंसान के कलाम पर कहीं बुलंद है, कहीं ज्यादा फायदा मंद है। तो वो दुरूद शरीफ जो मसनून है, वो सीगा जो आपसे साबित है, उसका पढ़ना अफजल है, वही असल दुरूद है। और बाकी तो इंसानों के ख्यालात या जज्बात का इजहार है, ख्वाह वो शेर में हो, ख्वाह वो नसर में हो, ख्वाह वो उर्दू में हो, ख्वाह पंजाबी में हो या किसी और जबान में हो, वो तो फिर इंसानों के कलाम है ना। तो जिस तरह अल्लाह सुबहान व तआला के कलाम को बाकी तमाम इंसानों के कलाम पर फजीलत है, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को भी बाकी इंसानों के कलाम पर फजीलत है। एक आम शायर कितनी भी खूबसूरत बात करे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे तो उसकी बात नहीं हो सकती। एक आम इंसान कितने भी खूबसूरत अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करे, लेकिन वो उसके बराबर तो नहीं हो सकता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें दिया। तो बेहतरीन सीगा वही है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, जिसे दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है, और इसका पढ़ना बायस अजर व सवाब है और इसमें कोई शक ही नहीं। इसी तरह ये चूंकि थोड़ा तवील है तो इसको मुख्तसर अंदाज में भी आप पढ़ सकते हैं, मसलन सिर्फ अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरूद शरीफ मुकम्मल है एक तरह से, अगरचे मुख्तसर है। इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लम अला नबीना मुहम्मदिन, ये भी आप पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला नबील करीम कह सकते हैं। तो मुख्तसर हो या दुरूद इब्राहिमी कुछ तवील शक्ल में हो, असल चीज तो जिक्र में मशगूल होना है। तादाद मैटर नहीं करती जितना वो एहसास और जज्बा और अकीदत जो के दुरूशी पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी हो सकती है। तो हमारे लिए दिन में बेशुमार मौके ऐसे होते हैं कि जिसमें हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सबसे पहला मौका तो खुद नमाज का मौका है, उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक हम उसमें दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। फिर इसी तरह आम नमाजों के अलावा नमाज जनाजा में भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, फिर आजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज्जिन की आवाज सुनो यानी आजान सुनो, तो वही कहो जो मुअज्जिन कहता है, यानी आजान का जवाब दो, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो। यानी आजान का जवाब देने के बाद जब आजान खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए।
क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इसके बाद मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगो, जो जन्नत में एक मकाम है जो जन्नतियों में से सिर्फ किसी एक ही को मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो जन्नती मैं ही हूंगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए वो मकाम है। और आपने ये भी फरमाया कि मन सअली अल्लाह अल वसीला, जिसने अल्लाह से मेरे लिए वसीला की दुआ की, यानी दुरूद शरीफ के अलावा आते मुहम्मद अनिल वसीलता दुआ हम पढ़ते हैं, ये दुआ भी पढ़ी जानी चाहिए, तो जिसने ये दुआ पढ़ी उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो जाएगी, यानी कयामत के दिन फिर मैं उसके लिए शफात करूंगा। फिर ये कि दुरूद शरीफ न सिर्फ ये कि दुनिया में इंसान के लिए फायदे का बायस है, बल्कि आखिरत में इंसान के लिए शफात का जरिया भी है। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब होगी। आपने फरमाया जिसने 10 मरतबा सुबह शाम मुझ पर दुरूद भेजा उसे कयामत के दिन मेरी शफात हासिल होगी। अब ये कि अगर ज्यादा वक्त ना भी मिले तो 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना आखिर क्या मुश्किल है, कितनी देर लग जाएगी, लेकिन उसका अजर व सवाब और उसका फायदा किस कदर है। फिर इसी तरह दुरूद शरीफ दुआओं की कबूलियत का जरिया भी बनता है, यानी अगर दुआ करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाए अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद, तो इससे दुआ की कबूलियत में इजाफा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत अबू बकर और हजरत उमर तशरीफ फरमा थे, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं बैठा तो पहले अल्लाह ताला की हमदो सना की, फिर आप पर दुरूद भेजा, फिर अपने लिए दुआ की, तो आपने फरमाया अल्लाह से मांगो जरूर दिए जाओगे, यानी जिस तरीके से तुमने दुआ की है कि पहले अल्लाह ताला की हमदो सना की है फिर दुरूशी पढ़ा है, तो अब जो भी तुम दुआ मांगोगे वो दुआ कबूल होगी। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि दुरूद शरीफ नेकियों का दरवाजा खोलता है, नेकियों में इजाफे का जरिया बनता है। आपने फरमाया जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखेगा। फिर इसी तरह फरिश्तों की दुआएं आती हैं उस शख्स के लिए जो दुरूद शरीफ पढ़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता रहता है उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआ रहमत करते रहते हैं, यानी आप दुरूद शरीफ पढ़े तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करने में लग जाते हैं। अब जो चाहे कम पढ़े और जो चाहे ज्यादा पढ़े, यानी कितनी दुआएं चाहिए उसको। देखिए हम आमतौर पर कितना कहते हैं दूसरों से कि प्लीज हमारे लिए दुआ कीजिए, हमें दुआ में याद रखिए, दूसरों की एक तरह से मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं, लेकिन कितना आसान तरीका है फरिश्तों की दुआएं लेने का कि इंसान दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। और वो शख्स जो दुरूद न पढ़े वो सिर्फ अपने आप ही को नुकसान देता है, इसलिए कि दुरूद शरीफ न पढ़ना इंसान के बखील होने की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और फिर वो मुझ पर दुरूद न पढ़े तो वो बखील है। इससे ये बात भी पता चलती है कि अगर हम खुद दुरूद शरीफ नहीं भी पढ़ रहे, लेकिन अगर कोई और आपका जिक्र खैर कर रहा है या कोई और दुरूद शरीफ पढ़ रहा है और अगर वो बुलंद आवाज में पढ़ रहा है, तो हमें भी आपका नाम सुनते ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। ये भी आपके अदब में से एक है। और कयामत के दिन उस शख्स के लिए जो दुरूद न पढ़े, दुरूद का न पढ़ना हसरतों का बायस होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मजलिस में लोग अल्लाह का जिक्र ना करें, यानी इकट्ठे हुए हैं दुनिया भर की बातें की लेकिन अल्लाह सुभान व तआला की कोई बात नहीं की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजें, यानी ना तो अल्लाह का जिक्र किया और ना ही आप पर दुरूद भेजा, वो मजलिस कयामत के दिन इंसान के लिए हसरत का बायस होगी, इंसान उस पर पछताएगा, खा वो अपने नेक अमाल के बदले में जन्नत में चला ही जाए। यानी एक शख्स जन्नत में भी पहुंच गया लेकिन उसको ऐसी मजलिसों पर हसरत जरूर होगी जिसमें उसने अल्लाह का जिक्र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजा होगा। और अगर देखा जाए तो इंसान के अमाल में ऐसी कोताही और गफलत बसा औकात जन्नत से महरूमी का सबब भी बन जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया,
उसने जन्नत का रास्ता खो दिया, यानी जिसने इतनी गफलत बरती कि कभी आपका जिक्र ही नहीं किया और कभी आपके लिए दुआई नहीं की और कभी आपके लिए दुरूद ही नहीं पढ़ा, तो उसने अपने लिए क्या कमाया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर दुरूदो सलाम भेजो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का, आपकी याद का बेहतरीन तरीका आप पर दुरूद भेजना है, आपके लिए दुआए रहमत करना है। वो अजीम हस्ती जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बरसती है, जिसका जिक्र अल्लाह सुभानहू ताला फरिश्तों में करते हैं, जिन पर फरिश्ते दुआए रहमत भेजते हैं, आखिर उनका जिक्र और उन पर दुरूद व सलाम मैं और आप क्यों न भेजेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना खुद हमारे अपने लिए बाइस सआदत है, बाइस रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मोहताज नहीं। मशरिक हो या मगरिब, शमाल हो या जुनूब, दुनिया के गोशे गोशे में आपका जिक्र खैर हो रहा है, दिन रात आजानों में, नमाजों में, जहां जहां आपका नाम लिया जाए। लेकिन अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इसका फायदा खुद हम ही को पहुंचता है, हमारे अपने लिए बाइस रहमत है, तमाम गमों, दुखों, तकलीफों, मुसीबतों और परेशानियों से निकलने का रास्ता है, दरजात की बुलंदी का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाएगा। एक बार दुरूद पढ़ने का अजर सवाब उसके 10 गुनाह माफ फरमाएगा, यानी सिर्फ 10 रहमतें नहीं, 10 गुनाहों की बख्शिश भी होगी और 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा, यानी दर्जात की बुलंदी भी। इसी तरह दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत का जरिया भी है। हदीस पाक में आता है, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه, قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے, یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی درود شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر انسان कोई और दुआ न भी कर सके, गम दुख और तकलीफ की हालत में सिर्फ दुरूद शरीफ भी पढ़ता रहे तो उसे सारी दुआओं से किफायत कर जाएगा। एक हदीस में आता है, हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दुरूद भेजता हूँ, यानी बहुत ज्यादा आप पर दुरूद भेजता हूँ, अपनी दुआ में से कितना वक्त मैं दुरूद के लिए वक्फ करूं, यानी जितनी मैं दुआएं मांगता हूं उनमें से कितने वक्त के लिए दुरूद पढ़ा करूं, यानी आप पर दुआए रहमत भेजूं या आपके लिए दुआए रहमत करूं। दुरूद का मतलब यही होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तू चाहे।